भोर भइल में चल अंधियारा कोयल कुहू के पूर्व दिशा से निकलल लाली फैल गइल मुस्का अभी तक वो आइले ना, अब हम का कहीं। अब डोली तुले के सजनवा नहीं लागत बिन तोरा मनवा, दिन रात सनेहिया सत्ता में कब हुई मधुर मिलनवा। अब डोली तुले के सजनवा नहीं लागत बिन तोरा कब हुई मधुर मिलनवा। लाली कजरा बिंदिया चूड़ी, लाली कजरा बिंदिया चूड़ी बोली पे जानिया। कहीं अले बने बे राजा हमके दूले ही मिया, कहीं अले बने बे राजा जियो हो। तो ये बताओ, हम तो अब यही बानी, तोरा की काहे दूसरा के गुहार करत अड़ो, जब कह तब तैयार बानी। चलो चले के, चलो तो उठो, तो जा ध्यान अब कार्यक्रम में, उठो चलो। अच्छा, मतलब जे सामने बैठल होई ओकरे पे ये गाना शूट करी, ई कह जाता रह। देखी गावत अड़ो तो का कहिए भैया, तब का करी, ए जा के वो औरी तो बाटे ना। अच्छा है, क्यों और नहीं खे, क्यों और नहीं खे, ठीक से देखलु हो खाली। हां, और तू बड़ा, हम बानी ना, तो जीवा होई के लिखावो तो
अच्छा जे बा ओकरे से शादी कर ली जेउ रहे ओकरे से शादी कर लिया हमसे निक क्यों बेटा इतना बुरा दिन नहीं खेल हमरा के अच्छा ठीक बा अच्छा दिन तोहर कब आइयो देखो लेकिन हमारा अच्छा दिन जब दर्शक गण मिले ना दर्शक गण के स्वागत करे दो ए भैया हम इसे लड़ के आज ही जागल बानी रहुआ लोग चीज के छोड़ी हम राउर लोग के स्वागत करता बहुत प्यार दुलार और तहे दिल से आप सबके सबसे चहेता और लोकप्रिय आपके द्वारा बनावल प्रोग्राम में जेकरा के लेके आयल बाटे महुआ प्लस और जेकर नाम बाटे हम बानी भैया राउर जितेंद्र सिंह अंशु और हम बानी ज्ञानिता और प्रस्तुत बा आज के एपिसोड और आज के एपिसोड के बिना देर के लेके आए कि देरी करब बात करती पक्का ही लड़ाई करी हमसे इससे बढ़िया बाकी रहुआ आप चलिए उत्तम विचार आप सुनी ले और हम बताए थे आज के उत्तम विचार चल यही बात पे यही बहाने कम से कम तो काम के बाद तक कैल तो दर्शक प्रस्तुत बा आज के उत्तम विचार जे बा कि हजारों योद्धाओं पे विजय पाना आसान है लेकिन सच्चा विजयी वही कहलाता है जो स्वयं खुद पे विजय पाता है कहे के मतलब ई बा दर्शकगण कि जे अपना ऊपर जे अपना भावना के ऊपर नियंत्रण स्थापित कर लेवेला सही मायने में उही विजय कहलावेला अब पार्टनर एको बात बुझाई ले बात से का बुझे के रहे मुझे किए रहला कि दूसरा पे विजय पा ले हर हाँ। बहुत बड़ कोनो काम ना होला अच्छा अच्छा आसान होखेला हां हां इसे मान लो तो हमार जोटा नोच के विजय हासिल कर लेलु तोहरा जोटा बा हां बार बार कपाल पे अच्छा अच्छा हां हां लेकिन वास्तव में असली विजयी वही के माना जाला जे खुद पे विजय पावे खुद पे नियंत्रण कर पावे त एह बात पे तू हमरा के ई बतावा कि तहरा के अपना ऊपर कितना नियंत्रण बा अब हमार बात तो करत तो देखो हम सच्चाई के साथ हमेशा जब झूठ हमरा बोले ना आवेला तो हम तोरा के सच सच बता दी कि अब हम ई कह सके लेकिन नियंत्रण बा अब लेकिन उतना ना बा जितना कि ओके के चाहिए भैया थोड़ा बहुत कम बा ऐसन बात है काम करा तू लागल रहा कोशिश करत रहा कभी ना कभी तो तरह के सफलता भेटा ही जाई हाँ उ तो भेटैबे करी अब जब तू हमरा बारे में ऐसन पूछलू हां अब तब तू हमरा के बतावो अभी बतिया कि तोरा के कितना अपना ऊपर नियंत्रण बाटे तू अपॉइंटमेंट लेला कि ना हमरा से पूछे खातिर हमरा बारे में बात जाने खातिर अभी तोरा से लेवे खातिर अपेंट हम के लेवे के पड़ी अपेंट ना अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट कहल जाला बुझला हे उहे जवन तोरे बुझा मतलब अब चाहे तू के अपेंट कह चाहे जोन तू कह तड़ उहे समझ बतिया तू हां हां काहे ना जवन तू कह उहे हो अभी तनी काम के बात कर लो कॉल लय दादा मर कपार ने पर बुक कॉल मना के ले बानी कपार तो तहार फोड़ा हम एक दिन और उस शुभ दिन जल्दी आई बाकी दर्शकगण आप लोग आई देखी आज के एपिसोड के एको खास झलक आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप हिप्स की एक्सरसाइज करेंगे और अपने आप को फिट रख सकते हैं और उसके लिए आपकी मदद करेगा ये बेंच अगर हम प्रकृति को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करें तो जितनी चीजें आसपास हमें भौतिकता में दिख रही हैं यानी कि फिजिकल फॉर्म में दिख रही हैं कहीं उससे ज्यादा हमें चीजें नॉन फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं जवाब अब पहले बना देवे के जवाब जवाब चाहिए तरह के देव 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 तनी इंतजार करा हमरा के तनी चाय पानी पियावा खियावा तनी हमरा के ओकरा बाद देव तरह के जवाब अच्छा तो तू क्या बे किया तनी रुक जा बे तू खियाओ तनी मैं को ब्रेक लेता नहीं अब भी हम खियाओ तनी चाय पानी बढ़िया से रघुवा लोग कहीं मजा है ब्रेक के बाद हम लेके फिर से हाजिर होकर आप सबके सबसे चहेता और खास प्रोग्राम के जेकर नाम बाटे भैल बेहान दर्शकन ब्रेक के बाद आप सबके पुनः स्वागत करत आनी आपके इस सबसे चहेता और लोकप्रिय शो में जेकर नाम बाटे भैल बेहान तबे पार्टनर का हो पार्टनर जवाब दो हमरा बात के तू कहलो देव ना जवाब तो दो ना ना कुछ नहीं के काहे काहे का काहे ना अरे ओगड़ी हमन मन रहे ऐसे हम बोल दिनी अब मन नहीं खे अरे ई काहे ना कहत अड़ूगी तोरा लगे कोनो बात के जवाब ही नहीं के तो तू देबू का अच्छा ठीक बा तो अब हमार मन हो गेल बा अब हम तारा के जवाब दे अच्छा हां तनी दो न देखी तू कौन ऐतिहासिक जवाब देवे वाला बाड़ू
देखा तू अगड़ी कहला ना कि कुल एक के होकेला दोनों जॉन जॉन तू कहला है ना तो हमरा के बताव कि घोड़ा और खच्चर में का फर्क होकेला कैसे पता लागे जब दूरे से देखबू घोड़ा खच्चर में तब भैया ई तब पाचन बड़ा मुश्किल होकेला कि घोड़ा कौन है खच्चर कौन है दोनों से कई कान लगे दूर हां बस ऐसे ही देखो जैसे तहरो के दूर से केहू ना पता लगा सकेला तहरा के देख के कि तू का बड़ा असली में घोड़ा बड़ा की वाह 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 ये जवाब तो सुने के बचल रहा चले निक लागल देलु त काहे अच्छा तरह के हमार जवाब पसंद आ गेल का अच्छा अच्छा बोल लेलु त एगो कहतु त काम को लेती हम रौरा इजाजत से इजाजत बाहो कर हां इजाजत बाहो हां त भैया इनका ड्रामा सुन के हमार एकदम माथा पिरा गेल बले कि अब हम का करी मजबूर बानी कि हम रउआ लोग के छोड़ भी ना सके नी ए हाल पे एहन आते हमके रोज तरुआ लोग से मुलाकात करही के बा खैर छोड़ी जोन बोलली तो बोलली आए रउआ लो हमारे साथ मिल के देखी अगला सेगमेंट हम स्वास्थ्य गंगा में लेके चलतानी और आज हमें हम आपके बताए कि हिप्स की एक्सरसाइज के बारे में ओह बड़ा जानकारी बात तो तरह के हो ना रही तुम्हारी सुन लेके हम मन साथे में तो जानकारी तो कुल हमें रखे पड़ी अच्छा अच्छा रोज रोज तो बड़ा जानकारी रख ले तू न खाता लोग बगली में बैठी तो ये कुल करे के पड़े हमके ना खैर छोड़ी भैया हम रउआ लोग सब करते हैं देखी ए बारे में अगला सेगमेंट में जेकर नाम बाटे स्वास्थ्य गंगा आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप हिप्स की एक्सरसाइज करेंगे और अपने आप को फिट रख सकते हैं और उसके लिए आपकी मदद करेगा ये बेंच आइए जानते हैं आपको कुछ नहीं करना है अपने आप को इस तरह से बेंच पर प्लेस करना है अपने पैर को धीरे धीरे पीछे की तरफ लेके जाएंगे इसे हम कहते हैं बैकवर्ड लिफ्ट कुछ इस तरह से ये बिगनर्स के लिए है स्टार्टिंग में हम हाफ मूवमेंट लेंगे जब हम इंटेंसिटी लेवल बढ़ाएंगे तो हम फुल मूवमेंट भी लेंगे लेकिन फिलहाल शुरुआत करेंगे हम हाफ मूवमेंट से आप देख सकते हैं कि इस पोजीशन पर जब आप होल्ड करेंगे तो पूरा इफेक्ट आपके हिप पोर्शन पे हो रहा है और वो टोन हो रहे हैं इनफैक्ट हमारा मकसद ये है कि हम हिप्स के मसल्स डेवलप नहीं करें हमारा मकसद है कि हम हिप्स को टोन रखें एक अच्छी शेप में लेकर आएं और टोन रखने के लिए आपको स्ट्रेनफुल एक्सरसाइजेस करने की ज़रूरत नहीं है आपको सिर्फ थोड़ा सा स्ट्रेच करना है अपने आप को और आपके हिप्स ऑटोमेटिकली टोन हो जाएंगे ये बिगनर लेवल था इंटेंसिटी लेवल अब हम बढ़ाएंगे धीरे से एक स्टेप आगे जाएंगे उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है जो हमने पहले मूवमेंट ली थी उस मूवमेंट का थोड़ा सा हम एलैबोरेट करेंगे यानी थोड़ा सा बढ़ाएंगे पैरों को थोड़ा सा आगे की तरफ भी लेकर जाएंगे और साथ ही साथ पैरों को बैकवर्ड लिफ्ट में थोड़ा सा और ऊपर लेके जाएंगे जिसे हम कहते हैं फुल लिफ्ट कुछ इस तरह से और इसी तरह से आप दूसरे पैर से भी कर सकते हैं अब मैं एक और तरीका बताऊंगा जिससे आप अपने हिप्स को और शेप में रख सकते हैं टोनिंग कर सकते हैं और साथ ही साथ आपकी बैक की भी स्ट्रेंथनिंग होगी उससे तरीका यह है कि इस बेंच को आपको यहाँ से इस तरह पकड़ना है आप पैरों को थोड़ा सा पीछे पर लेकर जाएंगे अपने टोस पर हो जाएंगे ध्यान दीजिएगा कि आपको टोस पर होना है जब आप टोस पर होंगे तभी ये मूवमेंट सही आ पाएगा आप टोस पर रहेंगे और कुछ इस तरह से नीचे जाएंगे ये वो तरीके थे जिनको अगर आप फॉलो करें तो रेगुलरली आप अपनी हिप्स की टोनिंग कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा वक्त नहीं लगता है ये बेसिक दो तीन एक्सरसाइज करने में आप अपने हैवी वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग के तरीके से भी इन एक्सरसाइजेस को ले सकते हैं एक और तरीका होता है जो आपके हिप्स को टोनिंग रखने में उनको टोन रखने में बहुत ही ज़्यादा मददगार होता है उसमें आपको अपने आप को होल्ड करना है एक पोजीशन में जब आप होल्ड करेंगे तो हिप्स की टोनिंग भी होगी साथ साथ स्ट्रेंथनिंग भी होगी मैं आपको बताता हूँ तरीका क्या है आपको आधा बैठने की पोजीशन में आना है कुछ इस तरह से और अपनी स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है स्पाइन पे ध्यान दीजिएगा जब आप स्पाइन स्ट्रेट रखेंगे तो आपके हिप की पोजीशन जो है वो बिल्कुल सीधी रहेगी और जो टोनिंग का जो इफेक्टिव जो एरिया है वो बिल्कुल सही जाएगा और अपने हाथों को आप सामने रख सकते हैं एंड यू कैन काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन अप एंड देन अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 And then up. Again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. कितना नीमन कितना बढ़िया उत्तम जानकारी देखलू सही बात हिप्स के एक्सरसाइज के तो जान जानकारी मिलल वो तो बहुत बढ़िया रहे बाकी तू हमरा के ई बतावा कि तहरा के हमार जवाब कैसन लागल अब हम तोरा के बताए जिन घबरा
एगो ब्रेक ले ला, ओकरे बाद कुल बतात हो के ऐसे धमकी वाला चेहरा दिखा के काहे बोलेला तू हमरा के हमेशा वही लाइक बटन ले बाड़ू तू बेटे गंगम कहावत कह जाला तू डरावे चाहेला हमरा के हम तोरा से डरे नी नाही बताओ त नी हम तोरा के बेटे गंगम कहावत कह जाला का कि दू कोने चीज के भूत बातिस नाही मानेले दर्शक ब्रेक के बाद आप सबके फिर से बहुत तहे दिल से स्वागत करे तानी आपके सबसे चहेता और लोकप्रिय शो में जेकर नाम बाटे हाँ तो मिस्टर डरपोक अब ये बतावा हमरा के कि तहरा के हमार जवाब कैसन लागल अच्छा अच्छा हमरा के को तू बात बतावा हाँ कोनो खाए वाला चीज ना है ना कि हम बताए कि मीठ बा कि तीत बा लगा लेला अपन दिमाग ये अंतर बा तहरा में और शेरू में का अंतर बा हमरा शेरू उना झट से बता देवला हमरा के कि ओकरा के जवाब कैसन लागे आ तो ओकरा से जाके पूछो हमरा से का पूछो त हमरा बैठ के अरे का करियो गइल बाना घूमे आ त इंतजार करो कर का करे के हमार समय खराब कर तरु कपार खातर बैठ अरे ना खराब होई ना खराब होई तहार समय ना ना खराब होई एक काम करा अपन जन समय बाना ओकरा के जाके छत पे धूप दिखा दो रेडियो वाली भैया ये रेडियो वाली ट्रांजिस्टर जकरा के कहल जाला और ओकरा के बंद कइल बड़ा मुश्किल होखेला जब स्टार्ट होला ना तो अपनी आत बातिया करेला एना तीन कर बतिया कब खत्म ना एक छोड़ दिया आप लोग चलिए देखिए हमारा साथ है हमारे विशेषज्ञ में हम कार हुआ के बताए वाला बाड़ा अच्छा यो बता दा कि का बताए वाला बाड़ा आज अपना दर्शक गढ़ के हम अपना विशेषज्ञ से मिलवाए बर वो बताइए कि लैंड रेडिएशन का होखेला हां तो के बाड़े वो विशेषज्ञ वो बानी आर्यन मेहरा जी अच्छा यानी हमनी के वास्तु विशेषज्ञ आर्यन मेहरा जी ठीक बुझलियो चलिए भैया मिले के अपना आज के एक्सपर्ट आर्यन मेहरा जी से और जाने के बारे में अगला सेगमेंट में जेकर नाम बाटे हमार विशेषज्ञ नमस्कार दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर आर एम मेहरा है मैं एक साइंटिफिक वास्तु एक्सपर्ट और इंटीरियर डिजाइनर हूं अगर हम प्रकृति को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करें तो जितनी चीजें आसपास हमें भौतिकता में दिख रही हैं यानी कि फिजिकल फॉर्म में दिख रही हैं कहीं उससे ज्यादा हमें चीजें नॉन फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं कुछ चीजों को हम चेक कर सकते हैं ढूंढ सकते हैं ट्रैक कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते जैसे कि सोलर रेडिएशन है जो सन से रे आती है उसमें केवल आप विजिबल लाइट को देख सकते हैं बट बहुत सारा ऐसा पार्ट है जो हम देख नहीं सकते यानी कि हमारे आसपास वर्ल्ड में बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ रेडिएशंस हैं जो हमें विजिबल नहीं है इन्हीं में से बहुत ही कॉमन टाइप की रेडिएशन के बारे में आज मैं बात करूँगा जिसे हम लोग टेक्निकली कहते हैं जियोपैथिक स्ट्रेस जियोपैथिक स्ट्रेस एक लैंड में से निकलने वाली रेडिएशन है जो इमर्ज होती है और स्काई लेवल तक पहुंचती है ऑब्वियसली ये रेडिएशन गुड एंड बैड नहीं है बट क्योंकि ये एक एमिशन है अब इस प्रकृति में जितने अलग अलग तरीके के अलग अलग जीव जंतु पेड़ पौधे हैं तो किसी के लिए कोई चीज सूटेबल है किसी के लिए नहीं तो ह्यूमंस के लिए ये ऑब्जर्व किया कि जियोपैथिक रेडिएशन उनकी बॉडी फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करने की वजह से ये थोड़ी सी उनके लिए अप्रोप्रिएट नहीं होती और हेल्थ इश्यूज लेकर आती अगर आपके घर के अंदर लैंड में इस तरीके के एमिशंस इमर्ज होते हैं तो अक्सर आप नोटिस करेंगे कि आपको नाइट डिफिकल्टी ज्यादा है रात में नींद खराब होना न्यूरोलॉजिकल इश्यूज होना छटपटाहट होना रात में बार बार उठना हेडेक्स होना थकान होना कई तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं तो भय की जरूरत नहीं है किसी तरीके का सुपरस्टिशंस की भी जरूरत नहीं है बिल्कुल सिंपल तौर पे एनालाइज करने की जरूरत है लेकर एंटेना से 8.6 लैम्डास पे इस एग्रेशन को चेक किया जा सकता है और अगर आप चेक नहीं कर सकते या करवा सकते तो भी अगर आपको कोई रात को एबनॉर्मेलिटीज नोटिस कर रहे हैं तो आप सिंपल कोशिश करें कि घर के कोई और दूसरे रूम में थोड़े समय सोएं और ऑब्जर्व करें कि अब आपकी स्लीप कैसी है आपको ज़रूरत है ये जानने की कि पहली बात तो स्ट्रेस है या नहीं है अगर स्ट्रेस है तो इंस्ट्रूमेंट से चेक हो सकता है और अगर है तो हमें ये भी जानने की ज़रूरत है कि किस रीज़न से हुआ क्योंकि इसमें दो रीज़न्स हो सकते हैं जिस वजह से स्ट्रेस हो एक अर्थ के कोर में से जो आंतरिक इसकी लेयर है उसमें से नेगेटिविटी एमिट हो रही हो
तो ये एक नेचुरल फिनोमेना होगा जिसको जिसको कि हमें समझना होगा कि किस तरह से सबमर्ज करें जिसके साथ। और अगर आपकी किसी गलती की वजह से स्ट्रेस एमिट हो रहा है तो वो लैंड में सॉइल चेंज करने से ठीक हो सकता है। यानी कि सॉइल में आपकी वजह से कैसे स्ट्रेस आ सकता है, जैसे कि बहुत सारी बॉडीज बरीड हो और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन किया जाए, गार्बेज हो लैंड में, मैसिव कोई गार्बेज हो जिसमें से एमिशंस हो रहे हो, या फिर कोई ह्यूज सेप्टिक टैंक्स हो जिसकी वजह से कोई लैंड में एमिशंस हो रहे हो। इवन ये भी नोटिस किया गया कि केमिकल एफ्लुएंट्स अगर लैंड में एमिट किए जाएंगे तो वो भी स्ट्रेस और एग्रेशन एमिट कर सकते हैं। और इसके अलावा भी कई तरीके के ऐसे वाइब्रेशंस अगर लैंड में दी जा रही हैं तो वो भी स्ट्रेस देगी। तो बहुत सिंपल सा तरीका ये है कि हीलिंग से वर्क किया जाए, हर्ब से वर्क किया जाए। कई सारे ऐसे प्लांट्स एंड ट्रीज हैं जिनकी प्लांटेशन नाइट्रोजन फिक्सेशन ऐड करती हैं, पॉजिटिविटी ऐड करती हैं लैंड को। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी सॉफ्ट बिकॉज वी आर डीलिंग विद मदर अर्थ। एंड फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव टू डू इज कि वी हैव टू शिफ्ट आवर रूम। तो आप जैसे ही अपना बेडरूम एक अच्छी डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे उसके बाद आपकी स्लीप पैटर्न्स इंप्रूव हो जाएंगे, चीज़ इंप्रूव हो जाएंगी। फिर आपको लैंड को मॉनिटर करना चाहिए और देखना चाहिए कि इसको कैसे धीरे धीरे ठीक करें, वर्कआउट करें, प्रॉब्लम्स को एनालाइज करके चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। तो कमर्शियल प्रोडक्ट्स की तरफ ना जाएं और नेचुरल तरीके ढूंढें हील करने के, चीज़ों को ठीक करने के। लैंड रेडिएशन के बारे में तो बहुत बढ़िया जानकारी मिलल आज। बतावा तू ही कितना बड़ा जानकारी मिलल आज। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया बाटे। हमें पूछे के बाद बाको एकदम ना पूछे के बाद ये हमार काम करता बा तहार काम करता बा ना करता बा ना एकदम सही जगह पहुंचला तू। बिल्कुल कर्तव्य है तहार। अरे तो वही से सीखले आई ना। हमरा से सीखले बाड़ा हम तहार रिंग मास्टर बानी ना। रिंग मास्टर ना कहल जाला। ओके तो ओके मास्टर कहल जाला दूसरे विभाग के मास्टर कहल जाला। कुछ समझता नहीं आइडल बाड़ तू हमारा। और चलो अब अपना अगला सेगमेंट के शुरू कर जा। बिल्कुल चले कि भैया तब मिल के देखे कि अगला सेगमेंट जेकर नाम बाटे सुर गंगा। दर्शक गण आज ए सेगमेंट के खासम खास बनावे जे मेहमान आवत नहीं ना पहले भी आ चुकल बाड़े और हमने के आंगन के शोभा बढ़ा चुकल बाड़े। और आप लोग की अपना गीत गवने से झुमा चुकल बाने उनकर आवाज में जवन प्यार बा जवन मिठास बा पूछे के नहीं जोड़ा नहीं बोले क्या की आप लोग उनसे काफी बढ़िया से वाकिफ बने वहाँ के फैन बने रहूंगा लोग हमकी पूरा यकीन बटे। हम हो फैन बनी तू बड़ो। हाँ हम हो बनी तू बड़ा। अरे पूछो बुलाओ बुलाओ जल्दी से भैया बुलाए अपना हो आज के खास मेहमान के जे आयल बने बिहार के राजधानी पटना से सुमित भट्ट जी। जैसन सोच ले रहनी वैसन धनिया मोर बाड़ी असावर न गोर बाड़ी हो अथोरे छर हर पातर मोट थोड़े थोर बाड़ी सावर न गोर बाड़ी हो जैसन सोच ले रहनी ऐसन धनिया मोर बाड़ी सावर न गोर बाड़ी हो थोड़े छर हर पातर मोट थोड़े थोर बाड़ी सावर न गोर बाड़ी हो जैसन सोच ले रहनी ऐसन धनिया मोर बाड़ी सावर न गोर बाड़ी हो थोड़े छर हर पातर मोट थोड़े थोर बाड़ी सावर न गोर बाड़ी हो। गोरे गोरे गा
लाले लाल हसली तकलिया बा होता इच्छी का सा खाल हाँ बाट गोरे गोरे गाल को मल उठ लाले लाल हसली तकलिया बा होता इच्छी का सा खाल बन के हमरा जिंदगी बन के हमरा जिंदगी में आई लंजोर बारी सावर न गोर बारी हो थोड़े छर हर पाकर मोट थोड़े थोर बारी सावर न गोर बारी हो जैसन सोचले रहनी वैसन धनिया मोर बारी सावर न गोर बारी हो थोड़े छर हर पातर मोट थोड़े थोर बारी सावर न गोर बारी हो सावर न गोर बारी हो सावर न गोर बारी हो क्या बात है क्या प्यारा एंट्री बा होते होते अपन छाप छोड़ दे बिल्कुल छाप छोड़ दे ले और प्रूफ कर दे ले कि हम इनकर फैन काहे बानी काहे बाड़ू काहे कि इतना बढ़िया गावे ले अच्छा? वैसे आज सच सच बताओ तानी हमरा के आप ही के याद आयल रहे अच्छा हाँ कैसे हो ओ घड़ी जब तू हमरा के भूत कहला ना तब हमरा के याद आ गई कि तरह के भूत से डर लागेला ई हमरा के कैसे पता लागल रहे कैसे पता लागल रहे ये बतौले रहले कब बतौले रहले जब पिछला बेर आइले रहले ना तो कुल तार पोल खोल दे रहले अच्छा तब भी तुम के डरावन शुरू कर देलु और क्या जाति के तो कैसे कैसे भूत बन के आके भूत तो बन ना पाबू चुराइल बन के जौन तू चाह तरह के डरावल हमार मेन मकसद वाह 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 हमरो के तू वही रूप में देखल मेन स्वागत करबा हो गई हां हां तू छुपेबू तब ना सुमित बबुआ बहुत बहुत पुनः स्वागत बाटे हमरा भल बयान के आंगन महिला पे बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शक गण फिर से प्यार देखे बोले बने कौन बात फिर से भैया यही बोलब कि जितना प्यार पहले मिलल उतना प्यार आजो मिलत हमरा के बाद में मिली हमरा के क्या बात बस चाहे के ऐसी है रउवा लोग के आशीर्वाद वाह वाह दर्शकन लोग के आशीर्वाद सबके आशीर्वाद बनल रही तब बहुत आगे एकदम बबुआ मिली बिल्कुल बिल्कुल अच्छा वैसे सुमित आप दोबारा हमनी के आंगन में आयल बानी तो आपके कैसन लागत भइल बिहार में दोबारा आके खुशी हमार भर गेल बा गदगदा गेल बुझाता ख्याल मिटा जाए ऐसे ही प्यार मिलत रही तब ई जान तड़ू हम सुमित के देखल रहनी ना जब साल पहले साल भर पहले खूब दुबर पातक रहना दुबर पातर हां हमरी खान तो से कम नहीं हम हाँ हो आ अब देखो कुप्पा खान मोटा के बोल हाँ वो तो देखा था नहीं हम ये लक्षण है कोनो चीज के वो हमरा की याद बा कोना चीज के लक्षण हाँ प्याद बना हाँ फिर वो बात कर जाइयो पे क्या स्टेटस बा भी यही नाते हम दुबराइल बनी तू दुबराइल बड़ा यही नाते कोनो नहीं खेना ना तरह के क्यों बिटाई भी ना कितने सूखा पड़ गया ये लक्षण नहीं तो क्यों ना बिटाई चल लल लक्षण तो हमारे मत देखा आगे बात चल बातचीत करो ये सुमित अब वो तू आयल बड़ा बैल बहन बहुत खुश बानी भाई छोटो हमारा मैसेज तुझसे बात पूछे चाहे कि परिवार में कितना सपोर्ट बढ़े संगीत को लेके पापा से मम्मी से भाई से बहन से और भी जी अदरवाइज बा परिवार में भैया बस एगो हम ही बने जो गावी ले अच्छा और कोई ना गावी ना कोई ना गावी अच्छा। बाकी सब पढ़ाई लिखाई पूजा पाठ ब्राह्मण में पापा की पूजा पाठ करावे ले कभी कभी हम वो जान लेकिन अपना अच्छा बस जब सुर संग्राम में नहीं ना तो के बाद घर से सपोर्ट मिलना और चालू हो गया पहले ना मिलेगा ओके पहले मिलत रहे लेकिन कम मिलता है लेकिन तरह के अब थोड़ा मिला था हमरा के अब अच्छा। बाबूजी पे ध्यान देवे थे हमरे पे एल्बम निकाले में बहुत हेल्प करता रहे हमरा के वो अच्छा, बहुत जल्दी बस उनका आशीर्वाद एल्बम निकली एकदम क्या बात है बहुत बढ़िया एक बात जानता रो हम जानता नहीं का? सुमित जजमानी में जा पहले जजमानी में हाँ ये तो बहुत बढ़िया बात बा तो बढ़िया पंडित जी कहबे करते हां बहुत हम तो पंडित जी पढ़ले बानी लेकिन इनकरा खातिर एगो बहुत बढ़िया बात भाई बताई तरह के तनी आगे बढ़े दशो के बढ़िया सुनबू पहले की कपड़े में काहे कूद जालो यार बिचवा मत कूदा तेरा के का प्रॉब्लम बा प्रॉब्लम तू खड़े अपने आप में ठहर तोरा से प्रॉब्लम बहुत बा हमरा के बतिया बेटा चुपचाप से बैठल ला ठीक बा बोला ए सुमित तोरा के एगो नया नाम मिलल है जब तू सुर संग्राम सीजन 3 में गावत रहला का नाम रहे का नाम रहे के पंडित जी पटना के पंडित जी पटना के पंडित जी हां वाह बहुत बड़ा श्लोक कहना ना तने एगो बी आई वाला श्लोक कह ना हमरा इनके जोड़ के का लोग के जोड़ के हां ना कभी ना कहे द ना ना चला बाद में हो तो बोल ओकरा से अच्छा एगो महामृत्युंजय के जाप रहे हम अरे वाह क्या बात है बिहार से बचे के किसे बचे के बिहार से बचे के जय हो जय हो बिहार करबे तो सूली पे चढ़ जाएगा भैया जय हो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनामित्तो मोक्षियम अमृतम वाह वाह
खैर ठीक बा भैया, सुमित बबुआ आयल बा बहुत खुश बानी। आज हम अपने बबुआ कुछ तनखिया पिया दी भाई, इतना दूरे से चल के आवेला नहीं पटना, पता बना बिहार के राजधानी, बिहार की राजधानी पटना बाजे हमार ननिहाल हा। हाँ हम तो आज लिए पूछ पोनी कि तुहार घर कहाँ है। अच्छा जो तुहार चौहद्दी बतावे लू ना, हम बुझी नहीं पोनी में गड़पड़िया रह जानी। हम असल देसी बानी इंडियन। अच्छा ठीक बा, देसी देसी बात में देखल जाए, लेकिन फिलहाल एगो ब्रेक के वक्त बाटे, एगो विराम ले भैया। तो भैया बनल नहीं हमारा साथे और हमारी प्रोग्राम के साथे, जारी रही ब्रेक के बाद भी, जेकर नाम बाटे भैल बिहान। दर्शकगण ब्रेक के बाद एक बार और सब लोग के पुनः स्वागत बाटे आप सबके सबसे चाहता और खास प्रोग्राम में, जेकर नाम बाटे भैल बिहान। और हमनी के साथ हमार ननिहाल से आयल बाड़े सुमित जी। बारे रिश्ता अच्छा सुमित जी, वैसे ये बताएं कि आप संगीत के अलावा अभी का करता नहीं, पढ़ाई पढ़ाई लिखाई करता नहीं? हाँ पढ़ाई लिखाई का करता नहीं, ग्रेजुएशन करता नहीं अभी। हाँ और ग्रेजुएशन करे के पहले भी म्यूजिक करता है, अभी म्यूजिक है। तब पढ़ाई और म्यूजिक दोनों के कैसे मैनेज करें एक साथ? पढ़ाई में बहुत कम टाइम देता नहीं हम। हाँ सब टाइम जो बा हमारे सब म्यूजिक में लगा। अमरे खान बबुआ। अच्छा तो पढ़ ले बड़ा। अरे पढ़ लिखल बड़ा। ग्रेजुएशन पढ़ ली। हाँ 14 में पढ़े नहीं हम। ठीक बता, टेस्ट ले हम। ले ला। 14 में पढ़े ला। कुल पता लग गए। पता लग गए ला। ऐसा ही है एकदम। आपकी 15 हमार। 15 वां साल। 15। चलो बात कर। ठीक बा। ये सुमित ये बता भाई, ऐसा की वो बेरी आए लगते बतौल फैन रही तुम्हार। हाँ फैन फ्रेंड कुल रही जोन भी रही, तो वहाँ से अपन ले कहाँ मामला पहुँचल बटे फिट बाम अपन की टाका भिड़ल बा की मामला आजकल के समाज वाला हो गया ललक बिलक। काका बा भी। काका बा बोले बा प्रॉब्लम बा घर पे। घर पे प्रॉब्लम बा। हाँ। का हो बताओ हमके। बताए तारा के बात बताओ हम सॉल्व करियो के कैसे कि कुछ कहो ना का ना ना। हाँ थोड़ा प्रॉब्लम बा कास्ट के। अच्छा अच्छा प्यार कर लो ना। हाँ मोहब्बत बा ना सच्चा वाला ना। अरे आपके तो और ही दिक्कत ना होके के चाहिए, आप तो वैसे भी पटना के पंडित जी बानी ना। ये ओ घड़ी हम कहे चाहत रहनी कि इनकरा खाते तो और फायदा हो। का हो देखा शादी ब्याह करे के होई। हाँ? अगर कहीं गलती से शादी में तनी प्रॉब्लम आए परिवार के तरफ से। हाँ? तो इनकरा के पंडित के तो जरूरत नहीं खे। नहीं खे तो हम कहे तू कहे तो पटना के पंडित लोग पटना के पंडित जी यही तो सदी करेला मैं सब बुझा गेलो लेकिन चल हम तो घबरा गए नहीं मामला बिना घबराइले रहा ना ना हमरा से ऐसे मत डरावा। जब हम चुड़ैल बन के आए तरह के डराई ना तब तू डरा। हे चुड़ैल भाई तू डराई ना। ए सुमित चल इस तरह कोनो बात बा ना तो हम आए घरे बतियाई माई बाबूजी से। ठीक बा हम ओ पार्टी में जाके बतियाई। हां कोई दिक्कत नहीं था लोग के जरूर एकदम एकदम बबुआ बिल्कुल बिल्कुल एक टाइम नहीं काम है आप तो कोई काम हमने के साथ बानी जा एकदम। हां तन मन धन से लड़ जा कोई बात नहीं बाटे सीमा पूजे लड़ता नहीं। ठीक बा ऊ तैयार बाड़ी ना। हां भाई उनके घर परिवार सब तैयार। ठीक बा तब आओ थे चलो। वैसे एक बात और बताओ कि अब तक के सिंगिंग का सफर में सबसे बुरा क्षण कौन है? जब हम इतना मेहनत करे के बाद भी सुरसंगा में छटा गए तब काहे काहे कि बहुत लोग को उम्मीद रहे ओका में हमरा से बहुत लोग परिवार से लेके सुरसंगा में जो रहे गुरु जी सन सब को उम्मीद रहे हमरा से लेकिन हमर कुछ गलती के कारण कुछ प्रॉब्लम हो गेल रहे उ घड़ी एक खातिर हम जब छटा गए ना तब उ घड़ी हमका लगे कि ना बहुत गलती हो गई हमरा से। कोनो बात नहीं के जिंदगी के सफर में ए तरह के उतार चढ़ाव आवत रहेला ऐसे ए चीज से लड़े के क्षमता रख और ए चीज से जब लड़के उठवा ना फिर कबो गिरबन। ए गलती हर इंसान से होखेला लेकिन तू डिजर्विंग बाड़ा और यही लिए लोग तरह से एक्सपेक्ट करे ले। बिल्कुल अब चलो यही बात पे ठीक गाना सुना बढ़िया मूड की में आ गया दम गर्दा गुना गाना गर्दा उड़ा बबुआ अबिर हिम जोगिनिया पन्ना कैला बहालम अरे दिल में हमरा यकिया लगा गई लबलमू अहम से मुँह मोर के अकेले घर छोड़ के अजिया तेज हमके मुआ गई लबलमू अगवना करा के राजा चल गैला बहरवा आई बना त चल जाई
मांगू नाई हरवा गबना करा के राजा चल गईला बहारवा आई बना तो चल जाइब हम नाई हरवा चल जाइब हम नाई हरवा कि तोहर आइल नहीं खाए रोटी भात के हमरा बात के कि तोहर आइल नहीं खाए रोटी भात के पूछत नहीं ख हमरा बात के गबना करा के राजा चल गईला बहारवा बना तो चल जाइब हम नाई हरवा कि तोहर आइल नहीं खाए रोटी भात के पूछल नहीं हमरा बात के कि तोहर आइल नहीं खाए रोटी भात के पूछल नहीं हमरा बात के उठी उठी रोही लाश जरिया परात के उठी उठी रोही लाश जरिया परात के पूछल नहीं हमरा बात के कि तोहर आइल नहीं खाए रोटी भात के पूछल नहीं हमरा बात के गवना करा के राजा चल गईला बहारवा आई बना तो चल जाइब हम नहीं हरवा कि तोहर आइल नहीं खाए रोटी भात के पूछत नहीं खा हमरा बात के कि तोहर आइल नहीं खाए रोटी भात के पूछत नहीं खा हमरा बात के कि तोहर आइल नहीं खाए रोटी भात के हमरा बात के तोहर आइल नहीं खाए रोटी भात के पूछत नहीं हमरा बात के तोहर आइल नहीं खाए रोटी भात के पूछत नहीं हमरा बात के क्या बात है क्या बात है बहुत बढ़िया जी हो बबुआ चाप के गई बा तो चाप के पाइबा पूछी ना लोग भैया चलो हमें को ब्रेक ले लेता नहीं कुल बूझ जाए लोग ब्रेक की बात लेके फिर से हाजिर रुको राउल सबके सबसे चहेता प्रोग्राम के जेकर नाम बाटे भैल बेहा भैल बेहा ब्रेक के बाद दर्शकगण आप सबके पुनः स्वागत करता नहीं आपके सबसे चहेता और लोकप्रिय प्रोग्राम में जेकर नाम बाटे और हमनी के साथ हमनी के अंगना के शोभा बढ़ा देल बानी सुमित भट्ट लड़का तो इतना नीक है कि हम का नीक तो बढ़ले बा सुमित तनी छोट है लेकिन छोट हां बबुआ बबुआ हां लेकिन बहुत बढ़िया गावन बाबू बहुत बढ़िया गावेला बहुत बहुत अच्छा लागेला पा के भी बतिया के भी सुन के भी मिल के भी इतना हंसी मीठ लागत तुआ ई बताओ सुमित
कि अब तक के सफर में का पौला का खोला और का पावे की इच्छा रख ले भैया? इस सफर में तो बहुत कुछ पहनी है हम, बहुतों लोगों के आशीर्वाद मिला हमारे, बहुतों के प्यार साथ मिलल, जेकरा चलते हम एजा बानी अभी। और खोनी तो जितना में हमारा अंदर कमी रह सब खो देनी है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जितना कमी रह सब खो देनी, अब ऐसा गलती करे के भूल के भी ना सोचब जो गलती अभी तक होल रहे हमारा से। और इच्छा तो बहुत कुछ बा, चाहतानी कि बहुत बड़ा सिंगर बन के अपन बाबू माई के लगे घर बनाए, एगो बहुत बड़ा गाड़ी उनका के अपना पैसा से गिफ्ट करी। बहुत बढ़िया सपना बा, बहुत बड़ सपना बा और बहुत प्यारा सपना बाटे। और सुमित आशा रखो, विश्वास रखो और मेहनत करो, हमने के पूरा पूरा शुभकामना बा। माता रानी चाहे तो वो मुकाम बहुत जल्दी भेटाए कर। बिल्कुल और हमरा अंगना मेला एकरा खातिर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद तहार लोग के, दर्शकर लोग के और सभी के जो जो हमरा पसंद कैले, सबके हम अपन दिल से धन्यवाद दे बतानी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत तरक्की करा सुमित, हमनी के पूरा पूरा शुभकामना बाटे, दर्शक लोग भी दिल से भर भर के आशीर्वाद देता है। धन्यवाद भैया। और दर्शक गण के देखा पार्टनर ईमेल लागल बाटे, अब चाहब की उठावा पढ़ के बताओ कि आज की ईमेल कौन भैया के, चाहे कौन बहनी के, चाहे कौन भौजाई के, चाहे कौन चाची के की चाची। बस 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 हो गए ना, बताओ दानी तरह के हमारे बाबूजी तो नहीं बा, तार बाबूजी अगर करी है ना ईमेल ना करी है, हमरा के फोन करी है सीधा। बोलो बोलो। तो आज के ईमेल बा चंद्रेश जी के, और लिखा तारी कि हम भी एगो सिंगर बानी और हम भैल बिहान में आए चाहतानी, तो रउआ सभे हमरा मार्गदर्शन करी कि हम कैसे एह लोकप्रिय प्रोग्राम में आ सकेनी, हम रउआ सभे के बहुत आभारी रहब। चंद्रेश जी हम बता दी, पहले तो आपकी ईमेल खातिर बहुत बहुत धन्यवाद बटे, और आपके कोनो एल्बम बा चाहे आपके कोनो बढ़िया गीत बा तो ओके हमरा ईमेल एड्रेस पे भेज दी। एकदम सिंपल सा स्टेप बा, और बाकी के जो हमनी के दर्शकगण बाड़े उहो अपन प्यार के ऐसे ही हमरा तक पहुंचावत रही, हमरा के ईमेल लिख के हमनी के ईमेल आईडी पे जे बाटे bhailbihan@gmail.com, या फिर दर्शकगण आपके केहू प्रेजेंट बा कोनो बधाई संदेश देवे के बाद तो ओकरा खातिर आप लोग फेसबुक पेज पे यानी भैल बिहान के पेज पे लॉग इन करके भेज दे, ओकरा के हमनी के आपके समय रहते पहुंचा दिया। तब हमरा ख्याल से पार्टनर देखा वक्त हो गया विदाई के टाइम हो गया, लेकिन आज मजा बहुत आया, बहुत मजा आ गया। सुमित बाबू आए एकदम जियारा खुश कर दे बाबू, बहुत बहुत एक बार पुनः शुक्रिया बांटे, अब फिर जल्दी हम बुलाए तो आएगा, घबराइए मत। चलिए भैया अब चलेगा अपन अपन काम निपटावे के, दिन का शुरुआत जैसा चाहे वैसा हो गई बा, इजाजत दे रहे प्रणाम बरुआ सब लोग के। और एक बार फिर से जात जात सुमित जी से रिक्वेस्ट करब कि आप लोगन के बहुत बढ़िया सा गाना सुना दी, एकदम एक ए बारी ना ऐसन गर्दा मचाई, ऐसन गर्दन हाँ सब लोग अपन घर में नाचे लगे, तुम चापे वाला गाना गाए बारे में चापा मुला का पेलू जब लिपिस्टिक हिलेला सारा डिस्ट्रिक्ट, मुला का पेलू जब लिपिस्टिक हिलेला सारा डिस्ट्रिक्ट, जिला टॉप लागेलू तू जिला टॉप लागेलू, कमरिया 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 कहरे ना पाला फुलाने पाप लागेलू, कमरिया कहरे ना पाला फुलाने पाप लागेलू, फुला कहवेलू जब लिपिस्टी हिले ला सारा डिस्टी, फुला कहवेलू जब लिपिस्टी हिले टप लागेलू तू जिला टप लागेलू, कमरिया 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 कहरे न पाला फुलाली पाप लागेलू, कमरिया कहरे न पाला फुलाली पाप लागेलू। गोरखपुर देवरिया में तो हर भूख रहेला, गलिया पबलिया झूमे मुसीब झूमे लटाता, गोरखपुर देवरिया में तो हर भूख रहेला, कही रेलू तू जब नथुनिया हिलेला
ना भभुआ मोहनिया पहिरे लू तू जब नथुनिया हिलेला भभुआ मोहनिया तू चकाचक लागे लू तू चकाचक लागे लू कमरिया 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 करे ना पाला फुलानी पाप लागे लू कमरिया करे ना पाला फुलानी पाप लागे लू कमरिया 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 कहरे ना पाला फुलानी पाप लागे लू कमरिया कहरे